अब फिर गद्यांश कक्षा 10 के लिए। शिक्षा और गुरु के माध्यम से ही अपने आंतरिक गुणों को हम प्रकाश में लाते हैं। यदि धर्म के मार्ग पर चलकर मानव विज्ञ बनता है तो वह अपने जीवन के मार्ग के विकास के लिए अनवरत लगकर जीवन को सफल बनाता है और सम्यक ज्ञान गुण धर्म से जीवन को ब्रह्म से जोड़कर करोड़ों जन्मों के कर्मों से मुक्ति प्राप्त करता है। किंतु यह शिक्षा के द्वारा ही संभव है। शिक्षा भी दो माध्यमों से मिलती है, एक जीविकोपार्जन का माध्यम बनती है तथा दूसरी से जीवन साधना संभव होती है। दोनों में परिपूर्णता गुरु के माध्यम से ही आती है। जीविकोपार्जन की शिक्षा पाकर यह संसार बड़ा सुखमय प्रतीत होता है और जलते हुए दीपक के प्रकाश जैसा वह बाहरी जीवन में प्रकाश पाता है। दूसरी शिक्षा पाने के लिए सदगुरु को तलाश होती है। वह सदगुरु कहीं भी हो सकता है, जैसे तुलसीदास की सच्ची गुरु उनकी पत्नी थी, जिनकी प्रेरणा से उनके अंतर मन में प्रकाश भर गया और सारे विकार धुल गए, मन स्वच्छ हो गया। अपने दुर्लभ जीवन को सफल बनाकर हमेशा हमेशा के लिए सुखद जीवन जिए, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान व आत्म निरूपण की सच्ची शिक्षा के बिना सार्थक जीवन नहीं मिलता। सच्चा ज्ञान मुक्ति का मार्ग है। पहला प्रश्न इस प्रकार है, आंतरिक गुणों से क्या अभिप्राय है? पुनः एक बार फिर, आंतरिक गुणों से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, आंतरिक गुणों से तत्परता, आंतरिक गुणों से तात्पर्य, वीरता, सच्चाई, ईमानदारी, दया, करुणा, प्रेम, श्रद्धा आदि भावनाएं जो हमारे मन में स्थायी रूप से बसी होती हैं, शिक्षा के माध्यम से आंतरिक गुण प्रकट होते हैं। खा प्रश्न इस प्रकार है, जीवन को सफल कैसे बनाया जा सकता है? उत्तर इस प्रकार है, जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा और गुरु की आवश्यकता होती है। एक शिक्षा जीविका कमाने के काम आती है तो आध्यात्मिक शिक्षा हमें ब्रह्म से जोड़ती है। ये दोनों शिक्षाएं मनुष्य के जीवन को सफल बनाती हैं। गा प्रश्न इस प्रकार है, शिक्षा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, शिक्षा के माध्यम से ही मानव जीवन सफल बनता है। शिक्षा के भी दो प्रकार हैं, सांसारिक सुख पाने वाली शिक्षा तथा ब्रह्म से संबंध जोड़ने वाली आध्यात्मिक शिक्षा। दोनों के बिना मानव जीवन अधूरा है। घा प्रश्न, गुरु की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर है, आध्यात्मिक आनंद पाने के लिए, ईश्वरीय अनुभूति पाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। सद्गुरु की प्रेरणा से ही मनुष्य को अंतर्ज्ञान प्राप्त होता है। अंगा, जीविकोपार्जन की शिक्षा से आप क्या समझते हैं? उत्तर इस प्रकार है, जीविकोपार्जन की शिक्षा का तात्पर्य पेट भरने के लिए काम धंधा सीखना, जिस शिक्षा या प्रशिक्षण का उद्देश्य धन कमाना होता है, उसे जीविकोपार्जन की शिक्षा कहते हैं। चा, सच्चा ज्ञान मुक्ति का मार्ग कैसे होता है? उत्तर है, सच्चा ज्ञान का अर्थ है परमात्मा का आत्मा से संबंध, मनुष्य का भगवान से संबंध। जब तक मनुष्य परमात्मा से नहीं जुड़ता, उसे इस संसार से मुक्ति ही नहीं मिल सकती। अगला प्रश्न इस प्रकार है, संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति की सबसे पहली पहचान यह होती है कि अपनी मातृभाषा में दक्षता से काम कर सकता है। केवल भारत ही एक देश है। अगला अपडेट इस प्रकार है,
प्रस्तुत प्रश्नोत्तर इस पर करेंगे और उनको बालक पढ़ेंगे और कॉपी में लिखेंगे।